आपके पास कोई तरफ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। बागेश्वर के लिए तेज प्रताप यादव हो, पप्पू यादव हो या फिर इस तरह के जितने नेता हो, इन सभी का बयान आपने सुन लिया होगा। पूरे बिहार में तकरीबन 3 सप्ताह से इस बात पे बवाल मचा हुआ है कि बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। आपने सभी का बयान देखा होगा, लेकिन बाबा बागेश्वर का कोई अभी तक बयान आपने नहीं देखा होगा जिसमें वो किसी भी तरह से सियासी बात करते हुए नजर आए हो, किसी भी तरह से इन लोगों को पलटवार करते नजर आए हो। आपने देखा कोई वीडियो? नहीं देखा होगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर इन चीजों से, इन बातों से दूर रहा करते हैं। वो हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि मैं सियासी बातों में यानी राजनीति में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी बाबा बागेश्वर के खिलाफ अब बिहार में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, FIR दर्ज कर दिया गया है कि वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। और अब लोग कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर का 13 तारीख को जो 13 मई को दरबार लगने वाला था पटना में, वो अब कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया है। अब बाबा बागेश्वर पटना में दरबार नहीं लगा पाएंगे। असलियत है कि उनके ऊपर एक FIR दर्ज करा दिया गया है पटना में, और इसी वजह से लोग कयास लगा रहे हैं, कि बाबा बागेश्वर पटना में दरबार नहीं लगा पाएंगे, बाबा का दरबार जो है निरस्त हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको बता दें कि दरबार लगेगा 13 तारीख को पटना के गांधी मैदान में, बाबा बागेश्वर का दरबार लगने जा रहा है। तो सभी पहुंचे वहां पे। जय हिंद।